सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो। सो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और एक और नया दिन, एक और नई सुबह, और ये विलेजर्स है बीच में प्यार। अरे ये क्या कर दिया ये, क्या भाई? और भाई कैसा है? आजा आजा, तेरे को भी मार देते हैं एक बार। गजब बेइज्जती है। खुश रहे, तेरे को मेरा आशीर्वाद मिल चुका है मरने का, अब तो खुश रहेगा। सो गाइस, आज हम अपने घर की प्रिपरेशन करने वाले हैं, मतलब ये वाले घर की नहीं, नए घर बनाने के लिए। और नए घर बनाने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए होगा, वो भी हम ढूंढने वाले हैं। और आज हम अपने टूल्स को भी अपग्रेड करने वाले हैं, वो भी आयरन के अंदर। सो देख सकते हैं आप, जैसे मेरे पे अभी 19 आयरन है और 15 स्टिक्स हैं, तो अपग्रेड कर लेते हैं, मतलब जो जो हो सकता है, जैसे कि एक सोड, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, सब बन चुका है, बस एक बकेट और मिल जाए तो मज़ा। एक सेकंड में देखता हूँ, शायद मैंने बकेट बनाई थी, नहीं बकेट नहीं बनाई मैंने, और ये बकेट भी मैंने बना लिया है। सो ये सब बन चुका है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सब आ चुका है। ये मैं स्टोन का भी सामान रख देता हूँ उसके अंदर, जैसे कि हो स्टोन की ये स्ट्रिंग और शवल, और बाकी सामान मैं अपने पास अभी रख लेता हूँ। वाटर बकेट भी मुझे चाहिए, और उसको थोड़ा सेट करके मैं लगा देता हूँ जैसे लगाना चाहिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आयरन भी मैं इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ, और मुझे खाने के लिए भी ये लगेगा। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं अपने लिए कुछ माइनिंग करने, जैसे कि कोल और आयरन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भरपूर होगा, क्योंकि अभी हमें ज़रूरी नहीं है कि आयरन कोलम को मार के ही सारा सामान लेना है। हम यहाँ पे एक आयरन फार्म भी बनाएंगे आगे जाके वीडियोस में, तो स्टे ट्यून्ड उसके लिए भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको वो देखना है। और ये देख सकते हो ऐसी उधर ऐसी बेल बनी होगी, आपको इसको ऐसे दबा देना है, ऐसे दबाओगे तो आपको भी ऐसी आवाज़ आएगी। हाँ हाँ आएगी आएगी। सो चलते हैं और क्या, हाँ चलते हैं और चलते हैं, क्या बोल रहा हूँ, बम्बल हो गया। चलते हैं और सीधा मिलते हैं आपको माइनिंग वाली जगह पर। यहाँ पर वैसे मैं केव तो देखी नहीं आज तक, तो थोड़ा ढूंढते हैं और फिर आपको मैं मिलता हूँ। सो गाइस, मैं अभी जा ही रहा था, तो मेरे को बीच रास्ते में याद आया कि मैं माइनिंग करने तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोल ही नहीं है। तो बिना कोल से ही टॉर्चेस बनती है, और मेरे पास कोल ही नहीं है, तो मैं करूँगा क्या? तो फिर अब मैं इधर रुक गया हूँ, इधर मुझे दिख गया था कुछ बनाने के लिए, टॉर्च वॉर्च के लिए कुछ सामान दिख गया ऐसे कोल, और अभी मैं इसको माइंड कर लेता हूँ, फिर चलते हैं हम आगे। पहले जितना मिलता है उतना मैं इसको तोड़ लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ से कोल तोड़कर और यहाँ से पेड़ तोड़कर मैंने क्राफ्टिंग टेबल थोड़ी स्टिक्स बनाई हैं। अब मैं इसे थोड़े टॉर्चेस बना लेता हूँ, कितनी बनती है उतनी मैं इसकी स्टिक्स बनाकर। 99 से ज़्यादा टॉर्च बन रही हो, कि 60 मेरे को एक स्टैक से थोड़ा ज़्यादा मिल जाए उतना सही रहेगा। तो देखते हैं कितना मिलती है मुझे, एक स्टैक तो मेरा हो चुका है कंप्लीट। हाँ इतना बहुत है, दैट्स इनफ। और अब उसको मैं तोड़ देता हूँ, तो चलते हैं और देखते हैं। अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा ही कोल बचा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हमें आगे भी यूज़ होएगा कोल, देखते हैं कितना कोल। ओ बिल्कुल बचा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जाते हुए अगर यहाँ से माइन कर पाऊँ तो ले जाऊँगा। यहाँ पर अभी बहुत सारे कोल है, मतलब मैं यहाँ से 4-5 स्टैक तो आराम से ले सकता हूँ कोल। और यार, और मेरे को अब तक केव नहीं मिली है, केव से पहले मुझे पता नहीं कितना कुछ मिल चुका है, लेकिन केव नहीं मिली है। तो चलते हैं, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, सीधा केव के पास ही मिलता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ढूंढने में बहुत ज़्यादा ही टाइम ढूंढ ही रहा था अपने लिए। तो मेरे को यहाँ पर एक रूइन पोर्टल मिला है, इधर बहुत सारी केव थी लेकिन शुरू होते ही ख़त्म हो जाती थी। तो यहाँ से मुझे, ओ भाई साहब ये कौन सी है, शार्पनेस 2, ओ भाई साहब, और ये भी है और ये भी है, इसी में फ्लिंट भी उठा लेते हैं हम यहाँ से। ओके सो गाइस, ये तो मैंने यहाँ से लूट लिया है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ केव्स मिल जाएं। तो यार मेरे को बिल्कुल भी केव्स नहीं मिल रही, और जाते वक्त तो मैं यहाँ से बहुत सारा कोल भी ले जाने वाला हूँ, क्योंकि जो जिस ब्रिक से मुझे घर बनाना है उसके लिए मुझे कोल चाहिए, मेरे को स्मेल्ट करना पड़ेगा कॉबल स्टोन को, फिर से स्टोन बनेगा, फिर आगे आप देखना। वैसे तो आपको पता होगा मेरे से, तो आप बड़े प्रो ही हो गए जो खेलते हैं। अब देखते हैं कुछ केव्स होगा, ढूंढते ढूंढते इतना टाइम हो चुका है मेरे को, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था मेरे घर से इतनी दूर है एक केव ढूंढना, वो भी एक केव के लिए मैं इतना दूर आया हूँ। मेरे कोऑर्डिनेट देख सकते हो,
1000 से भी मैं ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। सब देखते हैं अब नीचे मैं कैसे जा सकता हूँ। कोई वाटर हो रहा, वाटर मैंने देख लिया वाटर को। एक सेकेंड, कहाँ पे था ये वाटर? उधर से दिख रहा था। एक सेकेंड गाइस, मैं देख ही रहा हूँ। हाँ वहाँ वो रहा, वो रहा। तो मुझे जाने के लिए वो दिसो गाइस, वो है पानी, इट्स वाटर टैंक। तो मेरे को पहले, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, अभी मैं नीचे गिर जाता। पहले मैं सारी जगह चेक कर लेता हूँ कहाँ पर है मेन वाटर सोर्स। हाँ यहाँ पर है। ये शवल से थोड़ा कर कर हाँ मैं यहाँ से जा सकता हूँ नीचे। यस 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 यस, ओ यस लेट्स गो। और मैं सो अभी कलेक्ट कर लेता हूँ। आप पानी से कितना रियलिस्टिक लग रहा है। और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई आपने वो देखी तो होगी, नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देखना, आपको पता चल जाएगा कि उस वीडियो में आप मेरे जैसे शेडर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो। देखता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को पानी यहाँ से कलेक्ट हो जाए तो मैं वो लावा बंद कर सकता हूँ। थोड़ी टॉर्च लगा लेता हूँ और ऊपर जाना पड़ेगा मुझे पानी को लेने। देखते हैं पानी का सोर्स कहाँ तक है। ओके यहाँ पर भी ये रहा। ओके ये दे दो भाई मुझे पानी, थैंक यू। मैं पानी के साथ ही नीचे आ जाता हूँ। और वो लावा देखते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं आगे जा पाऊँ तो मुझे लावा तो चाहिए ही है। थोड़ा हंगर भी मेरी कम है, सो खोल देते हैं। वो बंद नहीं हुआ, ये क्या टेक्निक है? हो गया। बस मुझे थोड़ी सी स्पेस ही चाहिए जाने के लिए, ज़्यादा इसको मैंने बंद नहीं करना, नहीं तो फिर कोई नहीं तो आएगी अपन अंदर। इधर चलिए, इधर इधर चल जाए। ओ सॉरी गाइस, मैं भूल गया कि मैं कौन सी, मतलब सॉरी सॉरी। इधर चलते हैं ऊपर। भाई भाई कितनी बड़ी रिवीन है, तो ख़त्म ही नहीं होती। ऊपर जान दो मुझे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। वैसे तो मैं मेन कोल माइन करने आया था ताकि मैं कर सकूं। और एक काम करते हैं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो अब एक घर चलते हैं। और मैं वहाँ, ओ एंडरमैन, ओ शिट, इसकी आइज में नहीं देखना होता। नहीं, मैं नहीं देख रहा, मैं नहीं देख रहा। सो मैं आपको ना सीधा घर मिलता हूँ। मैंने कोल तो बहुत ज़्यादा माइन कर ली, मैं घर जाके दिखाता हूँ। मेरे सो गाइस, पास मैं मैं अभी अभी घर घर तो तो आ आ चुका चुका हूँ। हूँ और और मैं मैं फटाफट फटाफट सो सो जाता जाता हूँ। हूँ। देख देख सकते सकते हो हो कितनी कितनी रात रात हो हो रही रही है। है। वहाँ वहाँ तो तो मुझे मुझे पता पता भी भी नहीं नहीं लगा लगा था। था। और ये विलेजर सो रहा है, भाई सोने दे मुझे। और मैं सो चुका हूँ। मैं आपको सुबह उठ के दिखाता हूँ कि मेरे पे कितना स्टैग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पे कितना स्टैग है। मैं आपको दिखाता हूँ, 3 2 1 गो। देख सकते हो गाइस कितना सारा स्टैग है मेरे पे कोल का। टोटल 5 स्टैग है मेरे पास। मैंने कहा था ना यहाँ पर 5 से 6 स्टैग तो आराम से हो सकता है। बस मुझे यहाँ पर इसको रखना है, इसको रखना है। और अगली वीडियो में अपने घर को थोड़ा रेनोवेट करूँगा, ये वाले नहीं, मतलब नया घर बनाने की हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सा बन जाए तो। मिलते हैं आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में। थोड़ी मेरी गेम ना लैग हो रही है क्योंकि मैं एकदम, ओ शिट ओ शिट, नहीं, क्योंकि मैंने एकदम बेड पे सो गया एकदम, और मैंने एकदम बीच में वैसे गलती से ना गेम लीव हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट गेम प्ले में। टिल देन गुड बाय एंड